अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और सही मायने में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान का यह दिन, आओ हम सब मिलकर आज प्रण करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दिल से महिलाओं के सम्मान का प्रण लें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को सत सत प्रणाम। और आज हम पहुंचे हैं जिला झज्जर के सोंधी गांव स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में, जहां महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहां हमारी माताएं बहनें और जागरूक महिलाएं स्कूल प्रांगण में पहुंची हैं। हम बात करते हैं कुछ जागरूक महिलाओं से। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? कैसा लगता है आपको? ओके, और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ जीवन ज्योति स्कूल के प्रांगण में सही मायने में ग्रामीण परिवेश में आज का दिन महिलाओं को समर्पित। हमारी माताएं बहनें यहाँ पहुंची हैं स्कूल में और आज स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों और महिलाओं के विषय में इनको जानकारी दी गई। आपका क्या नाम है? बिमला। आपको कितने साल हो गए यहाँ इस गाँव में आए हुए? और आपको कैसा लगता है वो समय जब आप यहाँ आए थे और आज का समय, क्या परिवर्तन है? पहले समय में तो नारी मतलब बोझ थी, किसी पर दबाव रहता था, ये बच्चा दौरी है, ये अपने काम आप कर रहे हैं, अपनी खुशी से चल रहे हैं, खुशी से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा आ रहे। और एक बार जोरदार तालियां इन माता जी के लिए। सही मायने में आज महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना शुरू किया है, दो कदम आगे पुरुषों से, और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है भारत की सशक्त नारी ने। हम बात करते हैं, नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? पूनम। और आज यहाँ आप जीवन ज्योति स्कूल सोंधी में आए हैं, क्या करने आए हैं? आज हम जी वुमेन्स डे मनाने आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम मैडम को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को सभी को यहाँ पर बुलाकर सभी का सम्मान किया और सभी को अच्छे से एंजॉय भी करवाया और अच्छी अच्छी शिक्षा भी दी, जिससे हमें घर पे जाने के बाद भी अच्छा लगेगा और उनकी जो भी उन्होंने हमें बताया हम उनका रूप करेंगे। और आपके बच्चे कितने बच्चे हैं? हमारे जी यहाँ परिवार के सभी बच्चे यहीं पर हैं, हम तीन बहनें हैं, छह बच्चे हैं हमारे और छों कैसे इस स्कूल में उनका एडमिशन है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी जी, इससे पहले फर्स्ट और सेकंड में मेरे बच्चे कई कई स्कूलों में थे जो कि मैं हर बार स्कूल बदलती थी। एक ऐसा स्कूल मुझे यही मिला है जिसके बाद मैंने एडमिशन करवाने के बाद 11th तक मेरे बच्चे आ चुके हैं। मैंने स्कूल बदलवाने के लिए सोचा भी नहीं क्योंकि मुझे बहुत संतुष्टि है। और इससे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, ईस्ट और वेस्ट जीवन ज्योति सबसे बेस्ट और जीवन ज्योति इज द बेस्ट। मुझे कहना है जीवन ज्योति इज द बेस्ट और बेस्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हमने जीवन ज्योति स्कूल का दौरा किया है और यहाँ के छात्र छात्राओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मेमोरी किंग, फास्टेस्ट कैलकुलेशन इन द वर्ल्ड, और जीवन ज्योति स्कूल के छात्र छात्राओं ने जो अपनी प्रतिभा का परिचय हमें कुछ दिन पूरे हुए इंटरव्यू में दिया था, उसका साक्षात नजारा आज एक जागरूक माता ने हमें माइक के माध्यम से दिया है। हम बात करते हैं कुछ और महिलाओं से। माता जी, क्या कहना है आपका? आज महिला दिवस है, किस तरह का त्योहार है? आप खुश हैं? बेटा बिल्कुल खुश हूं। और जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में मेरे छह पोता पोती पढ़े हुए हैं और 12वीं पास करके यहाँ से निकले हैं। इस स्कूल में इतनी सहूलियत है, आके बहुत बच्चे का ख्याल रखे हैं, बच्चा इधर उधर घूमने के लिए ना जा सकता या ओछी लामी बात कोई नहीं कर सकता, या घर ने भी फोन करके बेरा दे देती है जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल वाली या बेबे क्या नाम इसका नीलम मैडम, और इसके विचार बहुत अच्छे हैं, इसके ख्याल बहुत अच्छे हैं। और सुनो भाई, पहले हम क्या करते, हाथ में लोटा गोदी में बेटा सर पर भरोटा,
ये विचार हम पुरानी वीर मानिसा कहते हैं। जीवन ज्योति पब्लिक शगुन इतना ही अच्छा लगता है जैसे शक्कर में घी गला करता देसी में, और उसको खाना खा करके बैठ के इतना अच्छा लगा करता, हमें इतना अच्छा लगता है जीवन ज्योति शगुन। और हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन ज्योति शगुन का हम अपने तन और मन का साथ भी देंगे। जिसा बहन जी हमारा लेना चाहोगी उस चीज़ की मदद भी जरूर तभी जरूर कराएंगे। और हमने अपने बेटा बेटी जैसी, अपनी गोड़िया जैसी, अपने परिवार जैसी आवश्यकता है वो है अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा संस्कार के साथ दिलाने की। और आज हमने बात की कुछ जागरूक महिलाओं से, और यहाँ सही मायने में आज महिला दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है जीवन ज्योति स्कूल में। जी आपका क्या कहना है, आज जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्या इससे पहले भी आपने इस तरह का आयोजन कहीं देखा है? नहीं जी, और कहीं नहीं देखा है। जो हमारी नीलम मैडम है इसी के स्कूल में देखते आ रहे हैं पिछले 10-12 साल से। मैं लगातार आ रही हूँ, जगह हर प्रकार के कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं और बच्चों को उच्च शिक्षा, हर प्रकार के संस्कार भी दिए जाते हैं। जब से हमारे बच्चे स्कूल में आए हैं एकदम लाइन पे चलने, मम्मी पापा से सही तमीज से बोलना और हर प्रकार से समझाने हो गए। और आज महिला दिवस है, क्या समझते हैं आप महिलाओं के लिए आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? महिलाएं बादशाह का अपने आप में खुद वो है कि भाई हम मतलब हम भी किसी से कम नहीं। और जो नीलम मैम है वो बहुत ही, ये प्रेरणा भी हमें नीलम मैडम से ही मिली है कि महिला किसी से कम नहीं। भारत की आबादी का 50%, और आज दो कदम आगे बढ़कर एक शुरुआत हुई है जीवन ज्योति स्कूल सोंदी निमाणा से, जहां महिलाएं आत्मविश्वास से लबरेज हैं और अपने अधिकारों को जान चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला झज्जर के सोंदी गांव स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में यहां महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हम बात करते हैं स्कूल की संचालिका श्रीमती नीलम गुलिया जी से। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए विशेष पर्व, क्या कहना है आपका? सर, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उसके बाद में आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज्जर के जो उपायुक्त महोदय हैं सोनल गोयल जी, उन्होंने जो एक अवार्ड मिला, राष्ट्रपति जी से जो अवार्ड मिला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस उपलक्ष्य में, तो उनको हम हमारे स्कूल की तरफ से, जीवन ज्योति परिवार की तरफ से हार्दिक बधाइयां, उनको ढेर सारी बधाइयां हमारे तरफ से। और महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर जो ताकत छिपी हुई है उसे पहचानो, उठो जागो और आगे बढ़ो और अपने बच्चों के लिए कुछ अलग से करके दिखाइए। और निश्चित तौर से जिला झज्जर जो कि लिंगानुपात में पूरे देश में बेहतर कार्य कर रहा है, उसके लिए जिला झज्जर की उपायुक्त को जीवन ज्योति स्कूल की संचालिका की ओर से ढेरों बधाई व शुभकामनाएं दी गई हैं। हम बात करते हैं स्कूल की प्रिंसिपल महोदया से। मैम, महिला दिवस पर क्या कहना है आपका? बीइंग ए वुमन इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो हैप्पी वुमन डे टू ऑल गॉर्जियस लेडीज। मैं यही कहना चाहती हूँ लेडीज से कि बनो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसे। और निश्चित तौर से आज महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ इस समय जीवन ज्योति स्कूल में समस्त स्टाफ यहाँ आपके सामने है, जिन्होंने अभी कुछ देर पूर्व ही यहाँ महिलाओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सशक्त नारी, भारतीय नारी का एक जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिला आज जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल सोंधी निमाणा में। और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ बुजुर्ग महिलाओं से लेकर के छोटी बच्चियों तक का सम्मान करके उनके अंदर अधिकार पाने की एक भावना जगाने का कार्य किया है जीवन ज्योति स्कूल सोंधी निमाणा की डायरेक्टर श्रीमती नीलम गुलिया ने। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।